आजा 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 जी। तो दोस्तों गाड़ी आ गई, बस चढ़ जाए गाड़ी में। दोस्तों अमीरा कदल जब ख़त्म होता है, अमीरा कदल के बाद आप आगे थोड़ा चलेंगे तो लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लेडीज़ का एक बहुत ही बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गोइन खान। और उस पर भी मैंने अपना एक व्लॉग बना के रखा है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जब अच्छे से विज़िट करेंगे ना तो आपको हर एक जगह के व्लॉग मिल जाएंगे। और आप ये जो देख रहे हैं ना कि हम कैमरा लेके ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं, तो भाई ये कश्मीर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। बहुत से गट्स होने चाहिए इंसान के अंदर और बेशरम बनना पड़ता है इस व्लॉगिंग को लेके, स्पेशली कश्मीर में। तो हम दोनों इस टाइम बेशरम बन चुके हैं, कोई भी शर्म वरम नहीं है, तो बेशरम बन के हम ये व्लॉग बना रहे हैं। तो बस अब हम अमीरा कदल से आगे आ चुके हैं, अब यहाँ से गाड़ी एक लेते हैं और अब हम जा रहे हैं बटमालू की तरफ। तो चलिए गाड़ी का वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं बटमालू की तरफ, आपको पूरा इसमें दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी बड़ा मार्केट है आगे तक, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी आ गई तो गाड़ी में चढ़ते हैं। चलो अच्छा, खड़े नहीं जाएंगे, बैठ के जाएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत वीडियो भी लेनी है। तो दूसरी गाड़ी आ रही है, ये रही, इसमें चढ़ेंगे अमीरा कदल से बटमालू के लिए। और कितना किराया होगा, क्या होगा, वो सब भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वेट कर लेते हैं, आने देते हैं गाड़ी को। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे, आप इज़िली इनको बुक करके आगे जा सकते हैं। लेकिन हम ऑटो की सवारी कर चुके हैं पहले ही, इसीलिए अब आपको वो जो दूसरी गाड़ी आ रही है ना कश्मीर की, जो यहाँ पे ज़्यादातर चलती हैं, उसकी सवारी भी करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो बस आ रही है, आजा 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 जी। तो दोस्तों गाड़ी आ गई, बस चढ़ जाएं गाड़ी में। दोस्तों अब हम गाड़ी में चढ़ चुके हैं और इस गाड़ी के नज़ारे भी आप देख लीजिए। हमें यहाँ पे सीट मिल गई, यहाँ पे बैठ जाते हैं पहले। हमारे मुदस्सर भाई ये बैठे हैं हमारे साथ, देख सकते हैं मुदस्सर भाई को। तो ऐसी होती हैं कश्मीर की गाड़ियाँ, काफ़ी सारे लोग आप पूछ रहे थे तो ये हैं। लेकिन ऐसी वीडियो बनाने के लिए जो मैंने पहले कहा ना आपसे, वही बनना पड़ता है। दोस्तों अब हम गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। बटमालू पहुंच चुके हैं, यह बटमालू का मार्केट। अब हमें नेक्स्ट गाड़ी जो बारामूला के लिए है वो आगे से मिलेगी, तो आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे गाड़ियों से थोड़ा डरना पड़ता है क्योंकि 4-way, 2-way, 3-way कुछ है यहाँ पे, तो इसीलिए। अब हम पहुंच चुके हैं बटमालू, बटमालू मार्केट में हैं हम। तो इस मार्केट को ऑलरेडी मैंने एक बार एक्सप्लोर किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा यहाँ पे अंडरग्राउंड एक मार्केट भी है, उसको भी एक्सप्लोर किया है। तो आप मेरे चैनल पे, वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरा चैनल ज़रूर चेक कीजिए, चैनल चेक करो और सपोर्ट करते रहो, इसीलिए तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे।
अभी हम यहाँ से दूसरी गाड़ी ढूंढते हैं बारामूला के लिए, तो गाड़ी मिलते ही गाड़ी में चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें अमीरा कदल से भटमालू तक 16 रुपी किराया लगा, तो बाकी आगे तक कितना लगेगा वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी ढूंढते हैं। तो दोस्तों अब हमने दूसरी गाड़ी ले ली, जैसे कि आप देख रहे हैं हम गाड़ी के बीच में बैठे हुए हैं और अब हमें ये गाड़ी बारामूला तक ले जाएगी। सो इसमें ट्रैवल करने के बाद हम बारामूला पहुँचेंगे, तो वहाँ से भी आपके साथ बात करेंगे। लास्ट हमारा ब्लॉग वहीं पर क्लोज होगा, तो रास्ते में हम आपको थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह दिखाते चलेंगे, उसके बाद उस ब्लॉग को बारामूला में करेंगे क्लोज, ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बारामूला यानी अपने घर, और भटमालू से बारामूला तक हमें सोमू में 110 रुपीज़ किराया देना पड़ा, जो कि आजकल रेट चल रही है। चाहे आप बारामूला से भटमालू श्रीनगर की तरफ जाएं, यहाँ से भी 110 रुपीज़ लिए जाते हैं। सोमू का किराया इतना है और ट्रेन का 70 रुपीज़ दो बंदों का हमने दिया था, जैसे कि हमने पहले ब्लॉग डाला, तो 35 रुपीज़ एक बंदे का बारामूला से श्रीनगर तक किराया है। तो भटमालू से हम आगे चले तो उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं, रिफ़्रेश हो गए हैं, खाना वाना भी खा लिया है, तो आपको ये बाकी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी इसीलिए दे रहे हैं। तो बस इतना ही था आज का ये ब्लॉग, इंशाल्लाह आगे और अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे जिनमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। तो अगर पहली बार आप चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट भी ज़रूर किया करें, आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।